एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुम बजरी सिपाही, शंभु गए कुम बजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए सिपाही, शंभु गए को बजरी सिपाही। भगवान की कथा सुनने जब जाओ ना, कोशिश करो अकेले मत जाओ, दो चार लोग साथ में लेके जाओ, अपने घर के बाल गोपालों को साथ लेके जाओ, कोशिश करो अपने पति के साथ कथा सुनने जाओ, और पति लोग अपने देवी के साथ कथा सुनने जाएं। बजे जो भाव मेरा है, अगर वही भाव मेरे पति का हो जाए या मेरी पत्नी का हो जाए तो भक्ति करना आसान हो जाता है। हमारे सामने कई बार ऐसे एक्सीडेंट आते हैं, पत्नी कहते महाराज हमारा पति नहीं मानता, या कई पति कहते महाराज मेरी पत्नी बड़ी मॉडर्न है वो नहीं मानती। मैं तो कहता हूं दोनों को हाथ पकड़ के जाना चाहिए कथा पंडाल में, हाथ पकड़ के जाओ और बैठ जाओ कथा में, बैठ जाओ दोनों एक भाव के। भी ऐसा कुछ हो तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाया करो, इससे आलस्य भाग जाता है, और भगवान की कथा में आलस्य ना आए इसी के लिए प्रयास होता है। सुनत रघुपति गुण गाता, कहत सुनत रघुपति गुण गाता, बोल श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
भगवान भोलेनाथ त्रेता युग की बात है, अकेले नहीं गए, मां सती के साथ में गए। किनके साथ? सती के साथ में गए। और क्या करने? कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कहत सुनत रघुपति गुण गाता।